रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए लेटेस्ट अपडेट और न्यूज लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से हो रही भारी बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और चंबा जिले में बादल फटने की खबर मिली है और बारिश के प्रहार से पहाड़ भी दरक दरक कर टूट रहे हैं, यानी लैंडस्लाइड हो रहे हैं। सुरेंद्रनगर में इस प्रकार के लैंडस्लाइड की खबर है और नदियां उफान पर है। जानलेवा लहरों के बीच लोगों की जिंदगी अभी फंसी हुई बताई जा रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका तात्पर्य है कि बारिश का लेवल है वो शनिवार और रविवार को बढ़ा रहेगा, यानी बारिश ज़्यादा होगी। और हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल है वहाँ छुट्टी कर दी गई है। रेड अलर्ट 6 जिलों के अंदर घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है और कांगड़ा और चंबा के जो उपायुक्त है यानी DC है, उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी है। चंबा जिले के भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने से जो आवागमन है वो बाधित हो गया है और नदी नाले उफान पर है, इसलिए मणि महेश यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु है इस बात को विशेष ध्यान से सुने। अब रुक करते हैं पर्यटन नगरी मनाली में। मनाली घाटी में लगातार हो रही रेनफॉल से व्यास नदी का जो है जल है वो इंक्रीज हो गया है, यानी बढ़ गया है। नदी में पानी बढ़ने से जो दो व्यक्ति है वो फंस गए हैं और उनको बड़ी मेहनत के बाद उनको रेस्क्यू किया गया है। भारी वर्षा की वजह से व्यास नदी उफान पर है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर दवाड़ा जो कि ओट के नज़दीक है, वहाँ यातायात बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पानी सड़क के ऊपर आ गया है जो डेंजर जोन में आता है और उसको बंद कर दिया गया है। हमारा एक सब्सक्राइबर वहाँ गए थे, वो मनाली से रात को गए थे, वापस मार्ग बंद होने की वजह से वापस उनको मनाली वापस आना पड़ा। मनाली पुलिस प्रशासन ने एक विज्ञप्ति जारी की है, उसमें बताया गया है कि जिला मंडी में लगातार हो रही बारिश के कारण है व्यास रिवर का जल है काफ़ी बढ़ चुका है, जिस कारण से जो दवाड़ा है ओट के पास है, ओट वही स्थान है जहां सुरंग है यानी कि टनल है, नेशनल हाईवे के ऊपर पानी पहुंच गया और हणोगी मंदिर है उसके पहाड़ी से पत्थर गिरने की आशंका के चलते है वाहनों को पंडो के पास रोक दिया गया है। पंडो वही स्थान है जहां डैम बना हुआ है बड़ा वाला पानी वाला। कुल्लू से मंडी के लिए केवल छोटे वाहन वाया कटोला होकर जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होने की स्थिति में पुलिस कंट्रोल दूरभाष नंबर दिए गए हैं यहाँ और हेल्प नंबर 112 पर भी आप सूचित करके उनकी हेल्प पा सकते हैं। अब बात करते हैं रोहतांग पास की। मनाली ले मार्ग पर लाहौल के सिसु गांव है, करीब 4 किलोमीटर आगे कोकसर की तरफ शनिवार को लगातार पागल नाला में बाढ़ आने के कारण है वो ट्रैफिक बंद हो गया है। इससे लेह की तरफ जा रहे सेना के वाहन और पर्यटकों के वाहन भी फंस गए हैं, वाहनों की संख्या सैकड़ों में है। मूसलाधार बारिश से सेना टूरिस्ट और आम लोग हैं उसके परेशानी बढ़ गई है। लाहौल के जो तेलिंग नाले में बाढ़ जैसे हालात बनने से यहाँ भी वाहन फंसे हुए हैं। लाहौल के प्रवेश द्वार कोकसर स्थित पुलिस चौकी की सूचना के अनुसार भारी बारिश के कारण पुलिस चौकी के साथ लगते नाले का जल स्तर बढ़ गया है और नाले के बहाव की दिशा JCB द्वारा परिवर्तित किया गया है, बाद में आवाजाही शुरू हो गई है। सिसु पंचायत के जो पूर्व प्रधान है उपप्रधान है जगदीश जी कटोस ने बताया है कि लाहौल स्पीति जिले में शुक्रवार से लगातार बारिश का दौर अभी तक जारी है, इससे जगह जगह मनाली ले हाईवे अवरुद्ध हो गया है। कई जगह सेना के वाहन और पर्यटकों के और जो बागवानों के वाहन हैं वो फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन कुल्लू ने सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को रोहतांग पास न जाने की सलाह दी है और रोक लगा दी है, इसलिए आप रोहतांग पास जाने का विचार कर रहे हैं तो त्याग दीजिएगा।
यह वीडियो आपको किसी भी प्रकार से उपयोगी लगा है तो हमारे मोटिवेशन को अप करने के लिए लाइक कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए रेनबो थैंक्स। जय हिंद।